हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी का फिर से स्वागत है एक मेरे नए वीडियो में। तो ये आज इस वीडियो में बताने वाले हैं न्यू बुलेट स्टैंडर्ड मिलिट्री रेड कलर, जो कि काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है लोगों के बीच, और काफ़ी ज़्यादा ये बाइक अभी बिक रहा है। इसमें तो 5 कलर में लॉन्च हुआ है, बट ये बेस मॉडल है और ये सब काफ़ी ज़्यादा ही बिक रहा है। गाड़ी सबसे ज़्यादा यही गाड़ी बिक रहा है स्टैंडर्ड में, मिलिट्री रेड और मिलिट्री ब्लैक। इसमें आपको 2 कलर आ रहा है सेम प्राइस में, बेस मॉडल में एक आ रहा है मिलिट्री ब्लैक और एक आ रहा है मिलिट्री रेड। इसी के बारे में आपको हम बताने वाले हैं क्यों ये गाड़ी ज़्यादा बिक रहा है, इसमें क्या क्या स्पेशल है और इसमें क्या नया चेंजेज हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं तो इस गाड़ी में तो इसका इंजन चेंज है, जे सीरीज इंजन आ गया है, जो नया वाला जे प्लेटफॉर्म का इंजन है वो इस गाड़ी में अभी आपको मिल रहा है। उसके साथ आपका टोटल बॉडी या इसको चेचिस बोले सब कुछ आपका चेंज है, डबल चेचिस मिल रहा है, पहले सिंगल चेचिस आता था अब डबल चेचिस आपको मिल रहा है। फिर आगे आते हैं तो आपको रियर सस्पेंशन भी चेंज है, इससे पहले पतला आता था। उसके बाद डिस्क ब्रेक पहले 280 mm का आता था, अब 300 mm का आता है विथ ABS के साथ, ये गाड़ी आपको मिल जाता है। टायर साइज भी पहले से ज़्यादा चौड़ा हो गया है, आप देख सकते हैं, ये सारा भी क्लासिक का यूज हुआ है। आगे का भी टाइगर लैम्प वगैरह हेडलाइट सब कुछ चेंज है। अब आते हैं फ्यूल टैंक पे, तो फ्यूल टैंक थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, और इस पे जो ये लोगो दिया गया है रॉयल इनफील्ड का, वो 3D में लोगो है, ये बेस मॉडल है। इस पे आपको सेम एथेनॉल 20 का बैचिंग यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद बड़ा चेंजेज में इसका इस बॉक्स को थोड़ा स्पोर्टी बना दिया गया है, साथ ही सीट डिज़ाइन वही है बट सीट का कुछ कम्फर्ट ज़्यादा हो गया है, पहले से अधिक कम्फर्टेबल है। जैसे आप इलेक्ट्रा और स्टैंडर्ड, जैसे वो पुरानी बाइक है वहाँ पर उसमें आप देख रहे हैं, उससे ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है। बैक में आते हैं तो बैक से इसका लुक बिल्कुल क्लासिक की तरह दिखता है, बट क्लासिक में ये थोड़ा सा नीचे आया है, इसको थोड़ा सा ऊपर से ही इसका जो मटगार्ड है उसको ऊपर से ही कट कर दिया गया। इंडिकेटर वगैरह सेम बिल्कुल क्लासिक के जैसा है। 5 स्टेट एडजस्टेबल आपको इसमें सस्पेंशन मिल जाता है, साथ ही आपको इसमें बहुत ही पावरफुल इंजन मिलेगा आपको। अब इसके फीचर्स के बारे में आए तो सेम जिस तरह से आप क्लासिक में फीचर्स देखते हैं क्लासिक में, उसी तरह सेम इसका है, देख सकते हैं यहाँ से। फ्यूल मीटर इंडिकेटर दे दिया गया है सब कुछ, फर्स्ट बार रॉयल इनफील्ड अपने गाड़ी में बुलेट में बेसिकली ये सारा चेंजेज किया है। तो इसमें आपको फ्यूल बताएगा, टाइम बताएगा, ट्रिप बताएगा, और यहाँ पे आप नेविगेशन लगवा सकते हैं, यहाँ पे नेविगेशन डलवा सकते हैं जिससे आपकी गाड़ी को नेविगेट करें। साथ में इस यहाँ पे आपको हजार्ड लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, ये आपको मिल जाता है सेल्फ का। इस साइड में इंडिकेटर मिल जाता है, लो लाइट, पास लाइट, यहाँ पे फ़ोन चार्जिंग, हैंडी लॉक इसका आपको इसी में देखने को मिलेगा। अब आते हैं इसका साउंड देखते हैं कैसा है, एकदम आप देख सकते हैं इसका साउंड एकदम धक धक वाली आवाज़ है, सब धक 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 वाली एकदम आवाज़ आती है। तो यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं, ये पार्किंग लाइट हो गया, अभी भी इसमें हाइलोजन लाइट का ही यूज़ किया गया है। तो आप लोग बताइए कि ये गाड़ी आप लोगों को कैसा लगा, और बहुत ही ज़्यादा बिक रहा है, और बिकने का सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत ही इसका कम प्राइस, ये आपको ऑन रोड 2,02,000 के आसपास में आ जा रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया है इतना सारा फीचर्स के साथ। क्योंकि आप क्लासिक लेते हैं अगर बेस मॉडल, ये आपको हो गया क्लासिक बेस मॉडल रेडी थ्रेड, इसका आपको पड़ जा रहा है 2,26,000 या 2,24,000, ये आपको मिल जा रहा है सेम सब कुछ हर एक चीज़, जबकि इसका लोगो उससे ज़्यादा बेटर है, फिर भी आपको मिल जा रहा है 2,02,000 या 2,04,000 में। तो इसीलिए गाड़ी बहुत ही ज़्यादा डिमांड में आ रहा है और बहुत ज़्यादा बिक रहा है। तो आप लोग बताइए, आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो कौन सी गाड़ी इसमें लेना चाहते हैं, मिलिट्री ब्लैक रेड लेना चाहते हैं या स्टैंडर्ड मैरून है, स्टैंडर्ड ब्लैक है, कौन सा आप लेना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा बिक रही है गाड़ी अभी, तो इसका प्राइस रेंज बहुत अच्छा रखा गया है कंपनी की तरफ से, इस वजह से गाड़ी इतना ज़्यादा बिक रही है।